सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद एक माह की तौसी कर दी। लॉकडाउन में 15 अगस्त तक की तौसी की गई है। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तालीमी इदारे, पार्क्स, अवामी मकामात, शादी और सिनेमा हॉल्स को मजीद एक माह तक बंद रखा जाएगा। ईद उल अजहा पर तयशुदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाज़त। हफ्ता और इतवार को ग्रोसरी और फार्मेसी के अलावा तमाम कारोबार पर पाबंदी। बैरुल सुबाई ट्रांसपोर्ट भी मजीद एक माह के लिए बंद। विफाक के नुमाइंदों की यकीन दहानियों के बावजूद कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की घंटों बंदिश, हब्स और शदीद गर्मी में शहरी खार। उधर CEO के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के खात्मे का अनोखा फार्मूला बता दिया। कहते हैं कराची वाले लोड शेडिंग के खात्मे के लिए गर्मी खत्म होने की दुआ करें। मोनस अलवी का शहर में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का भी एतराफ। कराची में लोड शेडिंग का असर। जमात इस्लामी का डेडलाइन खत्म होने पर आज फिर का ऐलान। हाफिज नईम का कहना है वादे पूरे ना होने पर गवर्नर असद उमर और कराची से PTI नुमाइंदे इस्तीफे दें। विफाकी हुकूमत फ्रॉड में के इलेक्ट्रिक से मिली हुई है। उधर नासिर शाह का कहना है ओवरबिलिंग की शिकायत भी बढ़ती जा रही है। अवैस कादर ने कहा विफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस है। वज़ीर-ए-आज़म का द्यामर पाशा डैम की साइट का दौरा। कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। इमरान खान ने चिलास में तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में गलत फैसले किए गए, दरियाओं से बहुत ज्यादा बिजली बन सकती थी लेकिन दरामदी ईंधन से बनाई गई। तकरीब में आर्मी चीफ, DGISI, वज़रा और मुआवने खुसूसी इत्तलात की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, सियासी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल। बिलावल ने कहा उन्होंने हुकूमती पर सवाल उठाए मगर कोई जवाब नहीं मिला। इमरान खान और फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक को तहफ्फुज़ दे रहे हैं। BRT और अलीमा खान के पर सवालों का भी जवाब नहीं मिला। फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराकी सफीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत बहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। कराची में आटे की फी किलोग्राम कीमत में 6 रुपए का इजाफा। 2.5 नंबर आटे की 10 किलोग्राम की बोरी 545 रुपए की हो गई। चक्की के आटे की 10 किलो की बोरी 620 रुपए की हो गई। आटे की कीमत में इजाफा गंदम 4 रुपए किलो महंगे होने की वजह से हुआ। गंदम की फी किलोग्राम कीमत 48 रुपए तक पहुंच गई। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने खत्म कर दिया। कराची में शाम में केबल सर्विसेज बंद नहीं की गई। चेयरमैन खालिद आराय कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक से मुदाकरात हुए, कमिश्नर इफ्तिखार शेलवानी ने कमेटी बना दी। मसाइल या इख्तिलाफात मुशावरत से हल किए जाएंगे। उम्मीद है कि आइंदा केबल नहीं काटी जाएगी। ईद उल अजहा पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की इजाजत के बगैर खाने जमा करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने ज़ाब्ता अख़लाक जारी कर दिया। रजिस्टर्ड मदारिस, फलाही इदारे और दीगर अफराद इजाजत लेकर खाने जमा कर सकेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें, जल थल एक हो गया। फैसलाबाद, सरगोधा, चिन्योट में भी बादल खूब बरसे। कोटली, मानसेरा, बदीन में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोलो में नशेबी इलाके आ गए। उधर कराची और हैदराबाद में कल से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। हैकर्स का ट्विटर अकाउंट्स पर
बराक ओबामा, जो बाइडन, एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेसोस के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए। एप्पल और उबर समेत कई इदारों के ट्विटर अकाउंट्स भी हैकर्स से ना बच सके। हैक अकाउंट से ट्विटर सार्फिन से करेंसी बिटकॉइन मांगने के पैगाम। और फ्रांस का कौमी दिन, आइफल टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगों नूर से नहा गया, रंग बिरंगी रोशनियों ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। हमें के एहसान ला एहसान कैसे फरार हुआ, वरना हम इससे जो माने निकलेंगे वो आवाम के सामने रखने में मजबूर होंगे। इसी तरह आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, आज रोज नए बहरान हैं। कभी अद्वियात का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी तेल का बहरान है, कभी कर्जों का बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। वो मसाइल जो पाकिस्तान से खत्म हो गए थे, वो मसाइल फिर उठ रहे हैं और उसके ऊपर वजीर आजम साहब हमेशा यही कहते हैं कि ये माफियाज रोल अदा कर रहे हैं। माफियाज नहीं हुजूर वाला, आपके अपने लोग, आपके दाएं बाएं खड़े आगे पीछे आपकी जमात के अंदर मौजूद लोग, वो हैं माफियाज के सरबरा। चीनी के ऊपर बड़ा शोर होता था, मियां नवाज शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी साहब को बड़ा इल्जाम दिए जाते थे कि चीनी उनका कारोबार है। आपके कमीशन ने बताया है कि आसिफ जरदारी साहब पे जिस ग्रुप के साथ शेयर होल्डर होने का इल्जाम है, उनका तो टोटल 1.5% प्रोडक्शन में हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ फैमिली का 4.5% हिस्सा है। ये दोनों खानदान क्लब भी कर दें तो 6% हिस्सा है। खान साहब आपके तो एक साथी का हिस्सा प्रोडक्शन का 20% है, दूसरे का 16% है, किसी का 10% है, किसी का 6% है, कोई 80% हिस्से तो शुगर के आपके अपने घर में है, ये आपके अपनी पार्टी में है। इसीलिए नोटिस लेने के बावजूद, अदालतों के नोटिस लेने के बावजूद भी आज भी चीनी सस्ती नहीं हुई। अद्वियात के स्कैंडल में आपके अपने लोग शामिल हैं, आपने हटाए थे। आज नैब उसको इतने महीनों बाद, इतने सालों साल, डेढ़ साल बाद नैब को याद आ रहा है। ये आपका अपना सारा कुछ कमाल था। अद्वियात सस्ती नहीं हुई, सब मौजूद है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आटे का बहरान था और आज एक फिर बहरान पैदा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये फिर गंदम का बहरान फिर सर उठा रहा है। अभी गंदम की फसल उठाई गई है और वजीर आजम साहब सिर्फ सिंध हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पोजीशन वाजे करनी होगी। गंदम स्मगल हो रही है, केपीके से स्मगल हो रही है, आपको उस स्मगलिंग को रोकना होगा। वफाकी इदारे आपके पास, वहां की हुकूमत आपके पास, बलोचिस्तान में आपके इत्तेहादी। लेकिन गंदम अगर स्मगल हो जाए और मुल्क में किल्लत हो जाए तो वजीर आजम साहब ये बातें सिर्फ इल्जाम तराशी से नहीं चलेंगी, आपको इनका जवाब देना होगा। इसी तरह तेल का बहरान क्या हुआ, मुल्क में तेल मौजूद है, तेल की कीमत सस्ती हुई, तेल नहीं मिल रहा, कीमत बढ़ गई, तेल मिल गया, उसी दिन तेल आ गया। क्यों आ गया, क्या किसी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन हुआ? इसलिए कि वो प्यारे हैं, वो लाडले हैं, उन लाडलों के खिलाफ वजीर आजम साहब एक्शन नहीं लेंगे, उसमें भी पीपल्स पार्टी ही कसूरवार होगी। ये भी कसूर यही कहेंगे पिछले छोड़ गए थे, क्योंकि हर काम उनके पिछले ही छोड़ जाते हैं, वो अपना कसूर नहीं मानते। हर मामले में वो कहते हैं जी वो कल ऐसे हुआ था। और अगर चेयरमैन साहब कुछ बातें करते हैं, कुछ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, कुछ चीजें सामने लाते हैं, तो बजाय इसके कि उन चीजों का जवाब दिया जाए, उनके कुछ चीखे हैं, उन चीखों की जिम्मेदारी कुछ की असेंबली के अंदर है, वो असेंबली के अंदर उठ के उनके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनको शाबाशियां मिलती हैं। कुछ लोग वो हैं जिनकी जिम्मेदारी असेंबलियों से बाहर लगी हुई। ये बात कौम के सामने है कि हक कौन कह रहा है। और फासिज्म का मैं रोज कहता हूं, फासिज्म का ये असूल है, उसे जिंदा रहने के लिए प्रोपेगंडा चाहिए। उसका हथियार सर्विस नहीं होती, उसका हथियार प्रोपेगंडा होता है। फासिज्म का दूसरा असूल, उसको दुश्मन चाहिए होता है।
वो अपने मुखालफों को, सियासी मुखालफों को